दोस्तों, ईरान की 31 सूबों में से एक सूबा करमान भी वाकया है, जिसके शहर मीहान के वस्त में एक अजीम और बाबरकत हस्ती का मकबरा मौजूद है, जिनका नाम नूरुद्दीन तारिक जुनैद है और तारीख इन्हें शाह नेमतुल्ला वली के नाम से याद करती है। आप 1330 को शाम के शहर हल्ब में पैदा हुए, जबकि आपकी वफात 1431 में 105 साल की उम्र में ईरान में हुई। शाह नेमतुल्ला का सिलसिला निसब हजरत अबू मूसा काजिम से मिलता है और आपने कुरान सैयद जलालुद्दीन ख्वारज़मी से पढ़ा, जबकि इल्मे कलाम शेख शमसुद्दीन मक्की से मक्का मुकर्मा से हासिल किया। इस दौरान आप 7 साल तक मक्का मुकर्मा में मुकीम रहे और इसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, तब्रेज, मुल्तान और कश्मीर तक का सफर किया। इस दौरान हजारों लोगों ने आपकी शख्सियत से बेपनाह बुजुर्गी और फैज हासिल किया। शाह नेमतुल्लाह ईरान के इलाके यजिद में गए, जहां आपने एक खानकाह तामीर की। यहां लोग दूर दूर से आपसे फैज हासिल करने के लिए आया करते थे, जबकि आपका इंतकाल भी इसी जगह पर हुआ और सुल्तान शहाबुद्दीन देमी ने आपका मकबरा तामीर किया। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह पाक की इन चंद बरगुजीदा और नेक हस्तियों में से एक थे, जिनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगम्बरों की तरह होंगे, यानी कि वो अल्लाह पाक के इतने करीब होंगे जितना कि बनी इसराइल के पैगम्बर हुआ करते थे। अल्लाह पाक के इन नेक बंदों का गिरोह औलिया मुराद कहलाता है, यानी ये वो लोग हैं जिन्हें जब अल्लाह पाक चाहता है अपनी खसूसी अनायत से वली, अब्दाल, कुतब और गौफ जैसे आला मनसब पर इनको फायज कर देता है। हजरत शाह नेमतुल्लाह वली आज से तकरीबन 850 साल कबल गुजरे हैं। आपने हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान, जबकि एक कसीदा जो कि बहुत मशहूर है, और इसमें आपने आने वाले दौर की तमाम पेशनगोइयां अपने फारसी अशार की सूरत में बयान की और हैरत अंगेज तौर पर वो सब पेशनगोइयां हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। आपने तकरीबन 2000 के करीब फारसी अशार लिखे, जिनमें से 750 आज के दौर में दस्तयाब हैं और हजार साल के अरसा पर मुहित माजी, हाल और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम अहम वाकयात को वजाहत के साथ बयान करते हैं। हत्ता के 100 से 700 साल बाद आने वाले बरेसगीर के तमाम बादशाहों के नाम तक तरतीब से आपने बयान कर दिए, जबकि वो अभी पैदा ही नहीं हुए थे। लिहाजा साइंसी तौर पर अगर आपको टाइम ट्रेवल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी कि वक्त से पहले वक्त को देखने वाला। दोस्तों, ये पेशन गोइयां इस हद तक दुरुस्त हैं कि गोया शाह नेमतुल्लाह वली आंखों देखा हाल देखने के बाद की दास्तान बयान कर रहे हों और तारीख के हर दौर से गुजरे हों। मिसाल के तौर पर आपने बादशाह तैमूर का जिक्र अपने फारसी अशार में इसकी पैदाइश से 200 साल कबल किया, जिसने मीर तुगलक को शिकस्त दी और हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। इसके अलावा लोदी खानदान के हुक्मरान यानी सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का भी जिक्र किया, जबकि मुगल बादशाह का जिक्र नाम लेकर तरतीब के साथ बयान किया, जिनमें तमाम मुगल बादशाह यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के तस्करे नामों के साथ मौजूद हैं। यहां तक कि आपने बरेसगीर पर अंग्रेजों की आमद और कब्जे का भी जिक्र किया। शाह नेमतुल्लाह वली ने आखिरी समा यानी कियामत से पहले पेश आने वाले तमाम अहम तरीन वाकयात बयान कर दिए और एक तरतीब के साथ रुनुमा होने वाले तमाम अहम वाकये और मुस्तकबिल की तमाम जंगों का जिक्र वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। अपने अशार में वो कई जगह वो पैदा होगा की रदीफ इस्तेमाल करते हैं और बाफ जंगों पर वो रदीफ मैं देख रहा हूँ की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब की जो पेशन गोइयां हैरान कुन हद तक सच साबित हुई हैं, वो कुछ यूं हैं। आपने 1174 में यानी जहीरुद्दीन बाबर के इक्तदार में आने से 200 साल कबल फरमाते हैं कि इसके बाद काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वारिस बनेगा। इसके अलावा हुमायूं बादशाह के बारे में फरमाया कि इसको एक हादसा पेश आएगा और यूं शेर शाह सूरी नाम का शख्स दुनिया में जाहिर होगा, जो कि तारीख हमें बताती है कि बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज सच साबित हुआ है, क्योंकि शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर हुमायूं ने निजाम सका के जरिए दरिया गंगा पार करके अपनी जान बचाई, जबकि शेर शाह सूरी की हुक्मरानी और इसकी वफात के बाद दोबारा हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, जब शेर शाह सूरी का बेटा तख्त नशीन था, और यूं 1535 से 1556 तक हिंदुस्तान पर दोबारा हुकूमत की। मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि जब वो दारुल बका की तरफ सफर करेगा तो इसका बेटा शाहजहां पैदा होगा। इसके बाद आपने फरमाया कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर तख्त नशीन होगा, क्योंकि तारीख में मौजूद है कि औरंगजेब आलमगीर ने सदियों पुरानी तख्त नशीनी की रवायत को तोड़ते हुए अपने बाप शाहजहां को ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया।
यहाँ तक कि तख्त के असल वारिस यानी अपने बड़े भाई दराशिको को शिकस्त देकर हाथी के पीछे बांधकर घसीटते हुए हजारों मर्दों और औरतों के सामने इसे कत्ल कर दिया। यूं इस जुल्म सितम और नाइंसाफी के बाद सल्तनत मुगलिया का जवाल शुरू हो गया, जिसका जिक्र शाह नेमतुल्ला वली ने इस वाक्य के रुनमा होने से कई सौ साल कबल किया। इसके बाद शाह साहब दिल्ली के बादशाह नादिर शाह का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि वो 1739 में हिंदुस्तान पर हमला करेगा और तारीख में मौजूद है कि नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह करके इसमें खूब खून खराबा किया और सिर्फ 12 घंटे में 1.5 लाख इंसानों को कत्ल कर दिया, जबकि लूट कसूट 2 माह तक जारी रखी। दोस्तों, हैरान कुन हद तक शाह नेमतुल्ला वली बादशाह बाबर के दौर में सिखों के रूहानी पेशवा गुरु नानक का भी जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि इसका नाम नानक होगा, बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे, इस फकीर का बाजार गर्म होगा, जबकि इसका चर्चा दूर दूर तक होगा। यूं सिख कौम वजूद में आएगी जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम की तारीख रकम करेगी, जो कि क्याम पाकिस्तान के वक्त देखा गया। इसके बाद के वाकयात का जिक्र शाह नेमतुल्ला वली कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि अंग्रेज ताजिर बनकर हिंदुस्तान में दाखिल होंगे, ये वो वक्त होगा जब हुक्मरान ऐशो इशरत में डूब चुके होंगे और जुल्म और सितम के बाजार गर्म होंगे, लिहाजा ये अंग्रेज ईसाई हिंदुस्तान पर काबिज होकर पूरे 100 साल तक हुकूमत करेंगे, ये वो दौर होगा जब मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी, इन पर जुल्म और सितम और नाइंसाफी के पहाड़ तोड़े जाएंगे, लिहाजा इस जुल्म और सितम के बाद अल्लाह पाक इनकी मदद के लिए अस्बाब पैदा करना शुरू कर देगा। लिहाजा पहली जंग अजीम का, जो कि 1914 से 1918 तक जारी रही, इसका आगाज होगा, जिसको शाह साहब जंग अजीम कहकर बयान करते हैं, यानी कि जर्मनों की जंग। लिहाजा ईसाइयों और जर्मनों की जंग होगी, जिसमें जर्मन कौम तबाही और बर्बादी का शिकार होगी और शिकस्त का मुंह देखेगी। इसके बाद दूसरी जंग अजीम, जो कि 21 साल बाद दोबारा जर्मनों और ईसाइयों के दरमियान शुरू होगी, इसका नतीजा शाह नेमतुल्ला वली कुछ यूं बयान करते हैं कि अगरचा बेजीम पर यानी कि बरतानिया जर्मनों पर फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, मगर खुद मुआशी तौर पर बेहद कमजोर हो जाएगा, लिहाजा बरतानवी अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे, मगर वो जाते जाते इनमें एक जानलेवा झगड़ा छोड़ कर जाएंगे। और जाहिर है यहाँ पर शाह नेमतुल्ला वली मसले कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कई सौ साल कबल सकूत ढाका की भी पेशनगोई की, जिनमें आप फरमाते हैं कि क्याम पाकिस्तान के वक्त जब हिंदुस्तान तकसीम हो जाएगा तो इसके कुछ अरसा बाद मुसलमान दलेराना जंग लड़ेंगे, जब दुश्मन मुसलमानों के कल्ब यानी लाहौर पर आ पहुंचेगा, जो कि वाज़े तौर पर 1965 की जंग का जिक्र है। मजीद शाह नेमतुल्ला वली बयान करते हैं कि 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम के गाजी इस खून रेजी के बाद कामयाब हो जाएंगे, मगर दुश्मनों की साजिशों के सबब मुसलमानों के मुल्क को तोड़ दिया जाएगा, जिसमें वाज़े तौर पर सकूत ढाका की तरफ पेशनगोई की गई है। दोस्तों, ये तो थी शाह नेमतुल्ला वली की माजी की वो पेशनगोइयां जो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई हैं, मगर सवाल यह है कि आखिर हमारा हाल और मुस्तकबिल क्या होगा, शाह साहब इसके बारे में क्या पेशनगोइयां करते हैं। अगर हम मौजूदा हालात पर नजर दौड़ाएं तो आपकी पेशनगोइयां मौजूदा हालात पर कुछ इस तरह से मौजूद हैं कि एक एक लफ्ज सच साबित होता दिखाई देता है, और वो पेशनगोइयां पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ भी वाज़े इशारा करती हैं। आप फरमाते हैं कि उस वक्त के बाद ऐसा दौर आएगा कि तुम किसी को अहले हक नहीं देखोगे, यानी एक वक्त आएगा जब झूठे धोखेबाज और कातिल लोग साहिब इक्तदार होंगे, कौम की दौलत इज्जत और वकार के मुहाफिज होने के बजाय वो सब कुछ लूट लेंगे, लोग चोरों और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे, कबीले का सरदार सबसे ज्यादा करप्ट और बेईमान होगा, मगर फिर भी लोग इस पर भरोसा करेंगे, इसे अपना लीडर तस्लीम करेंगे, जबकि इस दौर में उलमा का ये हाल होगा कि वो बेदीन और बेअमल होंगे, जबकि इनमें मुनाफकत कूट कूट कर भरी होगी, वो अपने फतवों और मनसब को पैसों की खातिर बेच देंगे और इसे अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसका वाज़े सबूत हमें 12 अक्टूबर 2017 जैसे वाक़े पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से मुतालिक कादियानियत सोच का बिल पास करते वक्त उलमा कराम की खामोशी के वक्त देखा गया। इस दौर में ईसाई हुक्मरान होंगे, मगर दर हकीकत इनकी हुकूमत पसे पर्दा यहूदियों के कंट्रोल में होगी, और ये हम आज के दौर में देखते भी हैं, क्योंकि बज़ाहिर आजकल ईसाई हुक्मरान है लेकिन दुनिया के तमाम मसाइलों पर यहूदी लोग काबिज हैं और एक साजिश के तहत हमेशा ईसाइयों को इस्तेमाल करते आए हैं। इसके अलावा शाह साहब फरमाते हैं कि इस दौर के अंदर 3 तरह के लोग मौजूद होंगे, जिनमें से एक तबका ऐसा होगा जो आलिम होंगे मगर करप्ट होंगे, दूसरे लोग दाना होंगे लेकिन मुतकब्बर होंगे, जबकि तीसरी किस्म के लोग फहश और रैनी में मुबतला होंगे। आप फरमाते हैं कि इस वाक्य के बाद यहाँ वाक्य से क्या मुराद है ये वाज़े नहीं है, लिहाजा इस दौर के अंदर रब करीम अपना फजल एक ईमानदार और जुरतमंद लीडर की सूरत में पाकिस्तान में जाहिर करेगा,
जो हजरत अली के शेरों में से एक शेर होगा जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में गैरत और शऊर बेदार करेगा। जब वो नेक हुक्मरान हक की आवाज बुलंद करेगा तो तुर्की ईरान इसकी आवाज पर लबैक कहकर उठ खड़े होंगे। जैसे कि हालिया दिनों में तुर्की और ईरान का यकजा हो जाना तारीख में पहली बार देखा गया है, जो कि बर्मा हादसे के बाद देखा गया। इसके बाद आप फरमाते हैं, हिंदुस्तान में एक शोर उठेगा और सरजमीन हिंद पर एक फसाद बढ़पा होगा। इस खलफशार के वक्त बुतपरस्त कौम यानी हिंदुस्तानी कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपना कहर और गजब नाजिल करेगी, यानी मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जंग का आगाज होगा। ये जंग 6 साल तक जारी रहेगी, जो कि इंसानी तारीख के सयाह तरीन दिन होंगे, जबकि इस जंग की बुनियाद झूठ और प्रोपेगेंडा होगा। मिसाल के तौर पर आज इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान पर अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाने, एटमी हथियारों की तरसील और दूसरे झूठे इल्जामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने के नापाक अजायम रखता है, इसी तरह का कोई इल्जाम लगाकर इस जंग का आगाज किया जाएगा। जबकि इस जंग के दौरान लड़ने वाले फौजियों से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि इनकी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करवाने के लिए मदद आएगी। और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाकया है, जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से बरादराना और नहायत अहमियत के हामिल मफाद पर मबनी है। लिहाजा इन पाकिस्तानी फौजियों को चीन की तरफ से मदद और तआवुन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि हथियार और दूसरी जंगी टेक्नोलॉजी की सूरत में होगा। ये मदद इतनी ज्यादा होगी कि मुसलमान मजबूत तरीन हो जाएंगे, हत्ता कि अहले कुफर भी इसको देखकर खौफजदा हो जाएगा। ईरान और मशरिक वस्ता भी इमदाद के लिए दीवाना वार निकल आएंगे और जज्बा जहाज से सरचार होकर मुसलमानों के साथ मिलकर काफरों पर कहर साबित होंगे। मुसलमानों का ये अजीम लश्कर अहले कुफर को पिसपा करके रख देगा, यहाँ तक के काफिर जान बचाने के लिए बहाने ढूंढते फिरेंगे, मगर सब कुछ बेसूद साबित होगा। तुर्की, चीन और ईरान हिंदुस्तान को फतह करवाने में पाकिस्तान का साथ देंगे, और जाहिर है ये गजवा हिंद का जिक्र है। इस दौरान सब दुश्मन मारे जाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर इसका खात्मा कर दिया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा होकर इस्लामी इतिहाद की मिसाल कायम करेंगे। दोस्तों, ये जंग कितनी खून रेज होगी इसका तस्करा शाह नेमतुल्लाह वली यूं करते हैं कि दरियाए अटक काफरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तीसरी जंग अजीम के मुतालिक भी शाह नेमतुल्लाह वली कुछ यूं बयान करते हैं कि हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी खराब हो जाएगी, यानी कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा। इसके बाद शिकस्त खाने वाले जर्मनी और जापान रूस के साथ मिल जाएंगे, यानी उसके साथ इतिहाद कायम कर लेंगे। इसके अलावा इस जंग में जहनवी किस्म के इंतहाई मोहलिक यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो देखते ही देखते पूरे के पूरे शहरों को तबाह करने की सलाहियत रखते होंगे। जबकि मुस्तकबिल से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली गजवा हिंद के 40 साल बाद का जिक्र करते हुए यूं फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में इमाम मेहदी का जहूर होगा और ये बात तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसके बाद अस्फहान शहर से दजाल का जहूर होगा, जिसमें एक बार फिर फितना और फसाद फिर से सर उठाएंगे। लोग इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, हर तरफ कुफर मुसल्लत नजर आएगा। लिहाजा इस दौर में अल्लाह पाक अपना फजल फिर से नाजिल फरमाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जाहिर करेगा, जो कि दजाल के साथ जंग करेंगे और इसे कत्ल करेंगे। मगर दोस्तों, इसके बाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि खामोश हो जा नेमतुल्लाह, रब करीम के राजों को जाहिर ना कर, और यूं इसके बाद अपने कसीदा को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह पाक के इन बरगजीदा बंदों में से थे जो अल्लाह पाक की कुदरत से रूहानी और वजदानी तौर पर टाइम ट्रेवलिंग कर चुके हैं, यानी वक्त से पहले आने वाले वक्त को देख चुके हैं, और इनकी हर एक पेशन गोई वक्त ने सच साबित कर दिखाई है, जबकि मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ भी ज़रूर सच साबित होंगी। अल्लाह पाक ने शाह साहब को ये फैज़ और इल्म अता किया, क्योंकि जब अल्लाह पाक का कोई बंदा इबादत कर करके इसके बेहद करीब हो जाता है तो अल्लाह पाक इसे ऐसी कुदरत अता फरमाते हैं जो तमाम इंसानों की फहम व फरासत से भी बाहर होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।